ये हुई ना बात भाई साहब, ये हुई ना बात। अब आएगा असली मजा। और यहाँ पे जिस तरीके से चंगेज को यहाँ पे जो सपोर्ट मिला है ना ऑडियंस का, भाई साहब आप तमाम दोस्तों को मैं यार सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों ने यार भर के प्यार दिया है और भाई के चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो इसकी खुशी में भी आप तमाम दोस्तों को एडवांस में बोल देता हूँ थैंक यू सो मच। आप दोस्तों का प्यार ही है जो कि हमारा चैनल ग्रो भी कर रहा है। अगर हम बात करें चंगेज के बारे में, अपने जीत दाग के बारे में, तो भाई साहब इस बंदे का लेवल ही कुछ और है। क्योंकि अब जो ऑडियंस का क्रेज है और जिस तरीके से इसको यहाँ पे प्यार मिल रहा है और जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, उसको देखने के बाद मैं भी हैरान हूँ कि भाई साहब इतने बंदे जो है वो इसको प्यार करते हैं। और यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है भाई साहब, मेरे कमेंट के अंदर जिस तरीके के मैसेजेस आते हैं उसको पढ़ पढ़ के मैं यहाँ पे भैया जो है वो इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि जीत दा को इतना लोग यहाँ पे प्यार करते हैं। रही बात अगर हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए किसी का भाई किसी की जान के यहाँ पे जो है वो 3 या फिर 2 सॉन्ग आ चुके हैं, उसके बाद टीजर भी आ चुका है, लेकिन बुक माई शो के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 24,500 लोग जो है वो इंटरेस्टेड है। जी हाँ दोस्तों, देखो 3 या फिर 2 सॉन्ग भी आ चुके हैं और यहाँ पे टीजर भी आ चुका है, लेकिन इंटरेस्टेड लोग कितने हैं, 24,500। उसी के साथ अगर हम बात करें भैया अपने चंगेज यानी कि जीत दा की मूवी के बारे में, तो यहाँ पे अभी से ही 10,000 लोग जो है वो इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हैं और बुक माय शो के ऊपर तेजी से चंगेज का इंटरेस्ट रेस यहाँ पे गैन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अनबिलीवेबल, सिर्फ और सिर्फ एक टीजर, एक सॉन्ग आया है विदा, और यहाँ पे 10,000, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12,000 या फिर 14,000 हम यहाँ पे किसी का भाई किसी की चांद से दूर है। तो यहाँ पे भर के सपोर्ट करो और यहाँ पे भैया चंगेज मूवी को इंटरेस्ट दिखाओ। बुक माय शो के ऊपर लॉग इन करो और वहां पे इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक करो, ताकि यहाँ पे चंगेज का इंटरेस्ट जो है वो तेजी से गैन होए और यहाँ पे चंगेज को बहुत ही ज्यादा हाइप भी मिले। और टॉप रेटिंग के अंदर तो हम पहले आ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो बुक माय शो के ऊपर भी हमें अपने झंडे गाड़ने हैं, क्योंकि भाई साहब जीत दा की मूवी है, जम के सपोर्ट करना है। और इस मूवी के अंदर वो पावर है जो कि बॉलीवुड की मूवीज के अंदर नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे रिमेक नहीं बनाते, हम यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट देते हैं। और जीत दा की मूवी है तो भाई साहब आप तो यहाँ पे लिख के ले लो, ये तो फाड़ के रख देगी और सीटियां जो है वो रुकेगी नहीं थिएटर के अंदर। और यकीन मानिए जो एक्शन सीक्वेंस है, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, जीत दा ने खुद अपना एफर्ट देखे यहाँ पे जो है वो एक्शन को सिनेमाया है। जी हाँ दोस्तों, एक्शन सीक्वेंस जो है वो जीत दा की तरफ से यहाँ पे जो है वो किए जाएंगे, यानी कि कोरियोग्राफर से हटके अपना खुद का बंदे ने एफर्ट दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप की मूवी होने वाली है। लोअर बजट के अंदर इंटरनेशनल लेवल का मसाला अगर आपको मिल जाए तो भाई क्या ही कहने। बाकी अगर हम बात करें इस मूवी की यहाँ पे भैया बजट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए 5 या फिर 10 करोड़ के बजट के अंदर ये मूवी बन रही है, यानी कि 5 करोड़ रुपए की बजट और 5 करोड़ रुपए का खर्चा, यानी कि 5 करोड़ रुपए की बजट और 5 करोड़ रुपए का प्रमोशन का खर्चा उठा लो, तो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए के अंदर अगर यहाँ पे ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाती है तो भाई क्रिएट हो जाएगी और इस मूवी की कमाई इतनी होने वाली है कि ये बजट जो है वो एक ही दिन के अंदर रिकवर हो जाएगी। बाकी आप क्या क्या ओपिनियन है चंगेज को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने भाई को सपोर्ट नहीं किया है, छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आने वाली हर एक छोटी से लेकर बड़ी अपडेट चंगेज को लेकर आपको मिलती रहे। मिलते रहे कॉन्टेंट के साथ, और ख्याल रखिएगा, हमें हरे कृष्णा।